अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये हो गया था क्या हम लोगों का? सर आपने तो ये करने के लिए बोला था शायद, मतलब क्लास में हम लोगों ने नहीं हो गया सर। ये किया है सर, ये किया है। हाँ कर लिया है। नेक्स्ट, ये नंबर चेंज है, आप देख लेना, केवल रिएक्शन नहीं देखना, उसमें नंबर चेंज है। नहीं ये सर नहीं किया है सर। ठीक है, तो फिर आप एक बार ट्राई करिए, स्टार्ट वहीं से पिछले क्लास के कनेक्शन से। सर कर लिया ये वाला, ये भी करा दिया था क्या? हाँ कर लिया है। कब किया भाई? पानी नहीं, लास्ट में हमको भी कुछ याद आ रहा है कि दो तीन क्वेश्चन शायद लास्ट में जाते जाते ऐसा वाला करा दिया था। कर लिया तो ये मेरे कॉपी में तो ये। चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये जो भी है ये इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको रिएक्शन दिया हुआ है, 10A प्लस 7B प्रोड्यूसिंग 2C प्लस 6D। A और B दोनों का 3 मोल लेना है हमको, रिएक्ट करवाना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एंड देन आपको बताना है कि प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा। उसके बाद अगर कोई रिएक्टेंट बच जाता है तो कितना मोल बचेगा रिएक्टेंट का, वो भी आइडेंटिफाई कर। तो आप शुरू हो जाए, फटाफट आंसर बताइए, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन। सर लिमिटिंग रिएक्टेंट ए। लिमिटिंग रिएजेंट ए करेक्ट है। किसी को डाउट? लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए ही रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। सर C 3/5 होगा। C 3/5 सर। लिमिटिंग रिएजेंट इज ए एंड सी इज गोइंग टू बी 3/5 इज 0.6 ना? 2/5 is 0.6. D 9/5. And is 9/5. Correct. 9/5. Correct. That is 1.8. B kitna bachega? ये भी बताना है बी कितना बचे। एक्सेस रीजन कैसे निकलता है, एक बार समझाइए। हाँ देखिए, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, लिमिटिंग रिएजेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो लिमिटिंग रिएजेंट को छोड़ करके जो भी है वो एक्सेस है। 9/10। 9/10 0.9 करेक्ट है। बी जो बचेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.9। अब डाउट, किसी को भी डाउट है? एनीवन, कुछ भी ऐसे शांति मत। 0.6 कैसे है वो अभी भी समझ नहीं आ रहा। ओके अच्छा, ये पहला क्वेश्चन ये कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई हुआ सभी का? हाँ सर वो हो गया। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो बेटा। देखो ये मतलब डाउट वाली चीजें अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए, अगर उसमें भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आई कैन रिपीट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि सबको मालूम हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ए रहना है, ठीक है। अब अगर मुझे ढूंढना है कि सी कितना बना, तो मैं देखो जो मुझे ढूंढना है और जो लिमिटिंग रिएजेंट है, हमेशा इनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो इनको कनेक्ट करने के लिए अगर स्टोशियोमेट्री लिखा जाए तो मैं क्या बोल सकता हूं, 10 मोल ए जब ही रिएक्ट करेगा तो 2 मोल सी बनेगा। ये रिएक्शन हो रहा होगा। हमारा ए कितना रिएक्ट करना है, हमें कितना दिया हुआ है, हमें केवल 3 मोल दिया हुआ है। तो अगर मैंने 3 मोल ए का लिया होता
तो 2/10 इंटू 3 मोल सी का बन जाता, दैट इज 0.6। यही तो आंसर है, इज द आंसर फॉर सी। हमें यही तो ढूंढना था, हमें 3 मोल ए तो खर्चा करना था, उससे ज्यादा थोड़ी खर्चा करना। द नेक्स्ट इज सिमिलरली वी कैन डू फॉर डी। डी का भी मोल कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मुझे 10 मोल ए खर्चा कर देता मैं, तो डी का कितना बनता, 6 मोल बनता, 6 मोल ऑफ डी बन जाता। मुझे कितना ए का खर्च करना है, मुझे 3 मोल खर्च करना है, तो अगर 3 मोल ऑफ ए मैं खर्च करूंगा तो 6/10 इंटू 3 मोल ऑफ डी बन जाएगा, दैट इज 18/10 1.8। ये आंसर हो जाएगा डी के लिए। ना अब अगर मुझे ये ढूंढना है कि बी का कितना बचेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि 10 मोल ए का अगर मैं खर्च करता तो 3 मोल बी का खर्च हो जाता। आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं वो 3 मोल ऑफ बी कंज्यूम्ड है, वो खर्च हुआ है, तो मुझे ए का कितना खर्च करना है, 3 मोल खर्च करना है। तो अगर मैं 3 मोल खर्च करूंगा तो 3/10 इंटू 3 मोल ऑफ बी, ये क्या हो गया बच्चे, ये खर्च हो गया, तो ये कितना होगा 9/10, दैट इज 0.9 मोल। क्या हो गया, 0.9 मोल मेरा खर्च हो चुका है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कितना बचा। तो मैंने लिया कितना था, लिया था 3, खर्च कितना हुआ 0.9, तो बचा कितना 2.1। सर मैंने कुछ गड़बड़ करा गया, 7 सर हो गए। अरे 7 था ना, मैंने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गलत लिखा। बी का कितना है, 7 है, ओके 7 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.1 हो जाएगा। 21/10 इज 2.1, फिर 2.1 खर्चा करते तो बचता कितना, 0.9 बचता है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत आसान से, बहुत आराम से बन जाता है कुछ। किसी को डाउट, एनीवन? कोई नहीं बोलेगा यार, एनी डाउट एनीवन? नो सर। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दिमाग लगाइए, कौन बनेगा करोड़पति हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये क्वेश्चन दिया है, एक बार ट्राई करिए। थ्री पॉइंट सिक्स ना, आता है मेरे ख्याल से, इतना ही आता है। और कोई बताएगा, थ्री पॉइंट सिक्स है या 3.2 है? चलो देखते हैं थोड़ी देर बाद।
बाकी लोगों में से कुछ तो हेल्प करो यार, मतलब कुछ बता ही नहीं रहे हो। हाँ नहीं क्या कैसे, कितना बता रहे हो? थ्री पॉइंट टू सर आ गया। यस सर। बाकी लोग अपना दिमाग लगा लिए हो तो मैं शुरू करूं फिर, या फिर अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा वेट कर सकता हूं। शुरू कर दीजिए सर, मैं अटेम्प्ट करता बोल रहा हूं। ओके, मतलब अपना दिमाग पूरा लगना चाहिए, ऐसा वाला फीलिंग आना चाहिए। देखो करना कैसे है, पहले तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं अभी देने जा रहा हूं, वो सबको हमेशा माइंड में रहना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है, कभी भी अगर आपको रिएक्शन दिया जाए जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और उसमें किसी एक ही रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, दूसरे रिएक्टेंट का मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ऑलवेज अस्यूम दैट जिसका मास दिया हुआ है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, जिसका मास नहीं दिया है इट इज ऑलवेज इन एक्सेस। ये आपको हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा, ये माइंड में हमेशा क्लैरिटी रहनी चाहिए कंपलसरी। ठीक है सभी को ये पॉइंट क्लियर रहेगा सबको कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो जिस अगर केवल एक ही रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है तो वही हमारा लिमिटिंग होगा, उसको छोड़ करके बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। ये क्लियर रहेगा सभी को? यस सर। ओके, यहां पे हमें SO2 का मास दिया हुआ है तो SO2 इज गोइंग टू बी लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला तो ऑक्सीजन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैंने 2.56 ग्राम SO2 लिया होता तो कितना ग्राम SO3 का बनेगा। देखो पहले तो मैं करूंगा वो बच्चों वाला मेथड, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट और इस शॉर्ट ट्रिक वगैरह बोल सकते हो, वो मैं उसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले वो बच्चों वाला मेथड जो अपने हम लोग इतने टाइम से सीखते आ रहे हैं वही एटलीस्ट हमारे माइंड में पहले तो क्लियर रहना चाहिए। हमको मालूम हो गया कि SO2 लिमिटिंग है और SO3 पूछा जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि 2 मोल SO2 अगर मेरा रिएक्ट करता ना तो मेरा 2 मोल SO3 बन चुका होता, ऑब्वियस है। तो 1 मोल SO2 लेता तो 1 मोल SO3 बनता। मुझे बोल रहे कि हमने कुछ SO2 लिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 कैलकुलेट करूंगा। कैसे कैलकुलेट करूंगा, मास दैट इज 2.56 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ SO2, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 64। सल्फर कितना, सल्फर इटसेल्फ इज 32, ऑक्सीजन कितना 16, तो 32 64 आ जाता है, तो ये आएगा आपका 0.04 मोल आ जाता है, 04। ठीक है, तो अगर आपने SO2 का 0.04 मोल ले रखा है तो SO3 का कितना बनेगा, 0.04 मोल SO3 बनेगा। तो आपको आंसर मिल गया, आपका आंसर यही है, लेकिन ये क्या है, ये मोल है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास। तो हमने सीखा था फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो कभी भी अगर मुझे मास कैलकुलेट करना हो गया तो मैं सीधा सीधा क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल यहां पे हमको मालूम है, हमको क्या चाहिए, SO3 का क्या चाहिए, मास चाहिए। मोल मालूम हो गया कितना, 0.04 इनटू मोलर मास। SO3 का मोलर मास कितना आता है, 80, मल्टीप्लाई कर लो 3.2 ग्राम, यही आंसर, ये आंसर है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। कोई भी ऐसा जिसको डाउट है, नहीं है तो एक शॉर्टकट बताऊं,
मतलब ऐसे ही देख के भी आंसर बता सकते थे। कुछ बोल ही नहीं रहे, ना हाँ बोल रहे ना ना बोल रहे। हाँ शॉर्टकट दिखाइए सर। देखो दो मोल SO2 दो मोल SO3 के साथ रिएक्ट कर रहा, दो मोल SO2 रिएक्ट करता तो दो मोल SO3 बन जाता। आई कैन से अगर वन मोल लेता तो इधर वन मोल बनता। अब वन मोल का मास कितना 64, इधर वन मोल का मास कितना 80। मतलब अगर मैं 64 ग्राम SO2 लेता तो SO3 कितना बनता 80 ग्राम बनता। अब ये जो नंबर दिया हुआ था ना इसको ध्यान से देखना, ये ऐसे देखते देखते थोड़ा एक्सपीरियंस होते होते पता चल जाता है। ये जो लिखा हुआ है ये 64 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो 64 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिल जाएगा 256 ग्राम हो जाएगा। तो 80 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 320 ग्राम। अब क्या करूं, आगे इसको 100 से डिवाइड कर दो कितना बन गया 2.56, फिर इसको भी 100 से डिवाइड कर दो कितना बन गया 3.2। हाँ यही आंसर है, 2.56 लेते तो 3.2 ग्राम बनता। अरे सर नहीं, मतलब ये थोड़ा सा नंबर के साथ खेलेंगे तब पता चलेगा, नंबर देख करके पता चल जाता है अच्छा ये तो मल्टीप्लाई करके लिखा है ये डिवाइड करके लिखा है, तो देखते देखते आ जाता है धीरे धीरे। थोड़ा नंबर के साथ खेलिए मजा आता है। इसी प्रॉब्लम के लिए है या बाकी प्रॉब्लम के लिए है? नहीं ये हर जगह लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही बच्चे। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप टाइप कर दो, आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। और बाकी लोग सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर बताओ, जो लोग खाली बैठे हुए वो क्वेश्चन करो, अगला वाला क्वेश्चन करो। और आप टाइप कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। फोर सर। इसको शॉर्टकट वाले मेथड से करिए जरा, तो देखिए फटाफट आंसर आता है। फोर करेक्ट है। ऐसे देख करके आंसर पता चल जाता है 4 ग्राम, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत थोड़ी होता है। हाँ बच्चे हुसैन आप सही बोल रहे हो कि आप अगर लिमिटिंग रिएजेंट में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो दूसरे वाले प्रोडक्ट में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। वही शॉर्टकट मैं यहाँ पे भी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, वही शॉर्टकट यहाँ पे भी बता दूंगा। सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अच्छा ये शॉर्टकट तरीके से सबको 4 मिला क्या यहाँ पे? यस सर। ओके आप ना पहला वाला मेथड यूज करते ना वो यूनिटरी मेथड, तो वहां से भी आंसर 4 ही आएगा। मैं यहाँ केवल शॉर्टकट कर रहा हूं, अब देखिए बड़ा मजा आएगा। मुझे मालूम है कि SO2 कितना लेना है 3.2 ग्राम लेना है, और SO3 कितना बनेगा ये हमसे पूछ रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट, अगर SO2 का 2 मोल लेता। नहीं बच्चे कुछ डाउट पूछ रहे हुसैन टाइप करके, केवल 4 से नहीं, वो मतलब उस क्वेश्चन में 2.56 लिखा था ना तो वो मुझे दिख गया था कि 64 इंटू 4 करने से 256 आता है, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा था। वैसे यहाँ पे देखिए और समझ में आएगा कि आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहिए, यहाँ पे और दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 मोल SO2 लूंगा तो 2 मोल SO3 बनेगा, अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो इसका 1 मोल बनेगा। अब 1 मोल SO2 का मास कितना होता है 64 ग्राम, और 1 मोल SO3 का मास कितना होता है 80 ग्राम। अब मैं इसके बाद ये तो वही स्टोशियोमेट्री वाली लिखी हुई है मैंने, ये कोई नया नहीं लिखा हुआ है, दिमाग इसके बाद लगाना है हमको। SO2 कितना खर्चा करना है 3.2,
64 का 32 से कुछ कनेक्शन है, मतलब 64 को आधा कर दूं तो 32 मिल जाएगा, तो पहले मैं इसको क्या करूंगा 1 बाई 2 कर दूंगा, तो ये क्या मिल गया, ये 32 मिल गया, तो इधर भी आपको 1 बाई 2 करना पड़ेगा, ये कितना मिल गया 40 मिल गया। अब देखो हमको 32 नहीं चाहिए, हमको 3.2 चाहिए, तो इसको क्या करूंगा 1 बाई 10 से डिवाइड कर दूंगा, लो भाई 3.2 हो गया, तो इधर भी क्या करूंगा 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या मिल गया 4 मिल गया। हाँ बस ये आंसर है, 3.2 लेते तो 4 होता, हो गया। समझे नहीं समझे? समझे सर। इसे ना आप वो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यूनिटरी मेथड करके करा था वहां से भी करेंगे तो सेम आंसर आता है, फोर ही आता है। वो यूनिटरी मेथड करा जाए क्या, कोई तो बोलो सर, पता नहीं सर, आप सब सेट कर, चलो यूनिटरी मेथड भी कर देते हैं क्योंकि वो भी जरूरी है। देखो वो जरूरी क्यों है कि कई बार ना आपको नंबर इतना खतरनाक देगा ना कि आपको वो डायरेक्टली दिखेगा ही नहीं, तो फिर आपको यूनिटरी मेथड ही लगाना पड़ता है, फिर मजबूरी हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आने वाला है थोड़ी देर बाद आने वाला, तो यूनिटरी मेथड भी इसको कर देता हूं मैं। मैं ये बोलता कि 2 mol SO2 अगर मैं ले आता तो डेफिनेटली 2 mol SO3 बनता, अगर मैं 1 mol SO2 ले आऊंगा तो 1 mol SO3 बनेगा। 1 mol SO2 पहले मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 कैलकुलेट कर लूँ, मास कितना 3.2, मोलर मास कितना 64, तो ये आपका मिल जाएगा 0.05, ये 0.05 मिल जाता है। तो अगर आपने 0.05 मोल SO2 लिया हुआ है तो SO3 का 0.05 मोल बन जाएगा, ये मोल मिल गया। हमको अगर मास ऑफ SO3 चाहिए तो मास का फॉर्मूला अभी मैं बता रहा था, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 0.05 और SO3 का मोलर मास कितना 80, कुछ गड़बड़ करा गया हमने, नहीं ठीक है, नहीं सर ठीक ही है, हाँ 4 ग्राम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। ये तो नीट में नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं नहीं यूज कर सकते ऐसे क्या आगे, उसमें कुछ नहीं है। ये देखो अभी हम लोग ने बिगनिंग करी है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पजल लग रहा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जैसे 40-50 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने तो यही चीज आपको बहुत आसान लगे, फटाफट होगा, तकलीफ नहीं होगी। हाँ थोड़ा अभी स्टार्टिंग है ना तो लगेगा थोड़ा। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये एक बार ट्राई करिए, तो हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 बाय द कंबशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि 11वीं में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन रिएक्शन लिखना सीख लिया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहले आप कंबशन रिएक्शन लिखो फिर करो। करेक्ट है, 0.5 है, हाफ मून सर, करेक्ट है, करेक्ट है, हाफ आएगा 0.5।
इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। देखो पहले तो अगर कंबशन रिएक्शन लिखना है, कंबशन मतलब बर्निंग, मीथेन को हमको जला देना है, जलेगा हमेशा और हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती नहीं, तो जलाऊंगा तो जितना भी कार्बन रहेगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जितना हाइड्रोजन रहेगा ना वो H2O बना लेगा। अब बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस, कार्बन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इधर 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 था तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हुए। एट द लास्ट हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, प्रोडक्ट में आप देखो तो 4 ऑक्सीजन एटम है, रिएक्टेंट में 2O2 कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ये प्रॉब्लम नहीं था हमारा, ये तो बड़ा आसान काम था बैलेंसिंग का। मान लो कभी क्वेश्चन आएगा, आएगा ही आएगा, फ्यूचर में आने ही वाला है, कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया CXHY और इसका कंबशन कर दिया, तो कैन वी राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कंबशन का बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं क्या हम लोग? कोई बताएगा? प्रोडक्ट बताओ पहले, प्रोडक्ट ज्यादा आसान है। CXO2 कार्बन बैलेंस करना है ना सर, हाइड्रोजन Y/2H लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा ना, इट विल बी X+Y/4। अगर किसी को ये नहीं मालूम था तो आप कॉपी जरूर कर लेना, क्योंकि ये फ्यूचर में कई बार आए, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है और कंबशन रिएक्शन बोल रहे हैं तो जस्ट आप ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दो, कार्बन का CO2, हाइड्रोजन का H2O, बैलेंसिंग में पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, एट द लास्ट ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान था। आपसे बोल रहे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका 22 ग्राम हमको बनाना है, ये प्रोड्यूस करना है, इतना प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन का कितना मोल लेना होगा, ऐसा बोल रहे। तो अगर मैं स्टोशियोमेट्री देखूं तो 1 मोल अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है तो 1 मोल CH4 लेना पड़ेगा, तो 1 मोल CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल CH4। तो अब मैंने क्या करना है कि ये 22 ग्राम में कितना मोल है वो ढूंढ लेना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिल जाएगा, मास, कितना मास, 22 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, 44 आता है। कार्बन एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन 16, यू कैन डू द कैलकुलेशन, इट इज कमिंग आउट टू बी 44। That is, ये कितना मोल हो गया हमारा, 0.5 मोल हो गया। तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5 मोल प्रोड्यूस करना है तो मीथेन का 0.5 मोल लेना होगा, और यही आंसर है, हमसे तो यही पूछा था। क्लियर हुआ? यस सर। एनी डाउट एनीवन? नहीं, ओके सर। सर समझ में नहीं आ रहा सर। सर हाँ, ये पीछे वाला रिएक्शन समझा नहीं सर। फिर से थोड़ा आवाज नहीं आया मेरे पास। CXHY वाला रिएक्शन को समझा नहीं सर। अच्छा, CXHY वाला थोड़ा सा जल्दी कर दिया था। इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लेता हूँ, फिर आता हूँ रिएक्शन में। हाँ सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमने बैलेंस रिएक्शन लिख लिया, हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि अगर मुझे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है तो मीथेन का कितना मोल लेना होगा।
तो मैंने क्या काम करा कि बैलेंस रिएक्शन का जो स्टोशियोमेट्री था उसको लिखना शुरू कर दिया कि अगर मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवाना है तो मुझे 1 मोल मीथेन लेना होगा। ये मैंने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिया कि 1 मोल CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन। अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए था, 22 ग्राम चाहिए था। मुझे पहले ये ढूंढना है कि 22 ग्राम में मोल कितना होता है, तो मोल कैसे ढूंढूंगा मैं, मास ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ द सैंपल कितना, 22 ग्राम, वो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 आता है, कैसे, CO2 लिख रहे हैं ना, कार्बन एटॉमिक मास कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 2, दैट इज व्हाट 12 प्लस 32 कितना 44, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो 22 डिवाइडेड बाय 44 कितना आता है 0.5, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमको कितना प्रोड्यूस करवाना है, केवल 0.5 मोल प्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि 22 ग्राम होता कितना है 0.5 मोल होता है। तो अगर मुझे 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करवाना है तो मीथेन कितना लगेगा, मीथेन 0.5 मोल लगेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो चल रहा था। तो बस तो आंसर है, हमको मीथेन का मोल ही तो बताना था, तो ये हमारा आंसर है। अब बोल रहे कि ये CXHY वाला जो रिएक्शन था इसको बैलेंसिंग सीखना है, तो मैं एक बार फिर से आपके सामने बैलेंस करके दिखा देता हूँ, वो थोड़ा मैंने जल्दीबाजी में कर ही दिया था। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर मैंने CXHY लिया हुआ है और इसको ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न कर दिया, जला दिया इसको, मैंने आपको ये समझाया कि जितना भी कार्बन है उसका क्या कर लेना है, CO2 बना लेना है, और जो भी हाइड्रोजन है उसका क्या बना लेना है, H2O बना लेना है, पहले इतना लिख लेना है। फिर इसके बाद मैंने बोला कि अब आपको क्या बैलेंस करना है, बैलेंसिंग जब करने जाएंगे तो पहले कार्बन बैलेंस करना है, तो कार्बन रिएक्टेंट में कितना है एक्स, तो प्रोडक्ट में भी कितना होना चाहिए एक्स, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या बैलेंस करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है वाई, तो प्रोडक्ट में भी क्या होना चाहिए वाई, तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे आप जो भी नंबर लिखने वाले, मान लो यहाँ 2 लिखता मैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता, 4 हो जाता, मतलब ये जो 2 है इससे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए था, केवल वाई चाहिए था, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, वाई बाई 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाला था, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। आप देख लो प्रोडक्ट में वाई हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट में भी वाई हाइड्रोजन। लास्ट में मैंने बोला कि अब क्या करें, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना सीखेंगे। तो यहां CO2 में, एक CO2 में 2 ऑक्सीजन था, एक CO2 में कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 2x ऑक्सीजन तो इधर ही है, और H2O के साथ, एक H2O में 1 ऑक्सीजन है, मेरे पास H2O कितना है y by 2, तो यहां पे ऑक्सीजन कितना है y by 2 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना हो गया, 2x प्लस y by 2 ऑक्सीजन हो गया प्रोडक्ट में। तो हमें रिएक्टेंट में भी 2x प्लस y by 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां भी क्या था, 2 था, तो फिर से ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाला था, तो मैं ये जो चाहिए होगा मुझे, मैं इसका आधा करके यहां पे लिख डालूंगा, तो इसका हाफ करूंगा, 2x का हाफ कितना x, और y by 2 का हाफ कितना y by 4, बस। तो यही करेक्ट आंसर है। अब चेक कर लो, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस। कोई डाउट? No, sir. Okay, then let's move to the next question. अगला कौन बनेगा करोड़पति खेला जाए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है ये रॉन्ग है, ये रिएक्शन यूज नहीं करना है। मैं रिएक्शन आपको लिख करके दे देता हूं एंड फिर आप सॉल्व करना। जैसे यहां पे अगर मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराऊं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो 2HCl के साथ रिएक्ट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये आपका अगर रिएक्शन बैलेंस करना है तो आई गेस 2CO2 लिखना पड़ेगा मुझे, एंड हाइड्रोजन के लिए 2H2 लिखना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन आप यूज करेंगे और अब सॉल्व करने का कोशिश करिए। बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है।
0.75. करेक्ट है, बहुत आसान है यार। यूज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना, एक ही लाइन में आंसर आता है। आप देखो अगर मुझे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना प्रोड्यूस करना है तो मुझे 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेना पड़ेगा। हमको कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए? 1.5। फिर पूछ रहे थे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना लेना। आपको सिंपली मैं क्या, इतने इतने क्वेश्चन का कंक्लूजन यही है कि आपको जो चीज पूछी जा रही है और जो चीज दिया हुआ है उसमें आप स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन लिखो, एक लाइन में आंसर आ जाए, ठीक है? फाइनल कंक्लूजन यही है। तो स्टेटमेंट में जब भी मैं लिखता तो मैं क्या बोलता, 2 मोल CO2 इज गोइंग टू प्रोड्यूस 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हमको कितना चाहिए? हमको 1.5 मोल चाहिए। अगर मैं 1.5 मोल CO2 ले आता हूं, 1.5 divided by 2 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट लगेगा, दैट इज 0.75। ये आंसर। हा ना, बहुत ही आसान था यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बारी ना सबका करेक्ट होना चाहिए, सबका, कोई ऐसा ना हो जो ये बोल पाए कि मेरा नहीं हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। अच्छा ये कर लिया क्या हम लोगों ने? ये तो कर लिया था। ओके ओके, वेट, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का अगर आपने सारे पार्ट का आंसर करेक्ट बताया हुआ है तो पार्टी मिलेगा। हाँ पार्टी मिलेगा, लेकिन सारे पार्ट का आंसर करेक्ट होना चाहिए।
किसी को लिमिटिंग रिएजेंट मिला क्या? हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन। सीम 22 केजी नहीं होगा बच्चे, 22 केजी नहीं है। पार्टी के लिए अभी टाइम है। सेवेंटीन थाउजेंड बाई थ्री ग्राम और केजी? ग्राम सर। फिफ केजी इट इज 170 डिवाइडेड बाई थ्री, राइट? यस सर। 56.67 करेक्ट है। लेकिन ये तो अभी अमोनिया पता चला कि अमोनिया कितना बनेगा। अमोनिया जो बनेगा दैट विल बी 56.67 केजी। नाइट्रोजन कितना बचेगा वो भी तो बताना था। किसी को भी अगर इसमें डाउट है कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन कैसे हुआ तो आप पूछ सकते हैं। दिमाग में क्लियर रखना है इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है। अगर किसी को भी डाउट है तो डिसाइड कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट क्यों हुआ वो आप पूछ सकते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करना शुरू बोल दीजिए। अच्छा बता दें। हाँ सर बोल दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने एक चीज बताया था आपको कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करने के लिए हमको के रेशियो कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हमें बैलेंस रिएक्शन भी लिखना होगा। तो अगर मैं बैलेंस रिएक्शन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 और ये फाइनली मेरा क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, 2NH3 अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा होगा। के रेशियो के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब नाइट्रोजन हमने कितना लिया, 50 केजी लिया। ऑक्सीजन कितना लिया, 10 केजी, सॉरी हाइड्रोजन कितना लिया, 10 केजी लिया। ग्राम में बोलना होता तो 50 × 10³ ग्राम लिया और हाइड्रोजन 10 × 10³ ग्राम लिया, ठीक है। ये तो मास मिल गया ना। नंबर ऑफ मोल अगर कैलकुलेट करना रहेगा तो 50 × 10³ डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का मोलर मास 28, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और यहां पे 10 × 10³ डिवाइडेड बाई 2, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास इज गोइंग टू बी 2। ये क्या मिल गया हमको, नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और के रेशियो हमको मिल जाएगा। तो यहां पे 50 × 10³ डिवाइडेड बाई 28 और यहां पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे वापस यही मिल जाएगा। हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 × 10³ डिवाइडेड बाई 2 × 3, ये कितना मिल जाना है, ये 10 × 10³ डिवाइडेड बाई 6 मिल जाना है। आपको बोला गया कि के रेशियो में ये दोनों में से, दोनों का के रेशियो हमने कैलकुलेट करा, इनमें से जो मिनिमम होगा, जिसके लिए के रेशियो मिनिमम होगा, वो रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि इन दोनों को आप डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करोगे, करना ही नहीं है, के रेशियो का यूज थोड़ी है हमको, तो बस ये देखना है कि इसमें छोटा कौन, बस जो छोटा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मुझे ऐसा कंपेयर करना है तो मुझे ऐसे देखते देखते कुछ फीलिंग आ रही है, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये जो हाइड्रोजन का के रेशियो है इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं नंबर पे। अब मैंने क्यों करा ये आप सोचो, अगर कर दिया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 50 × 10³ डिवाइडेड बाई 30। क्यों करा पता चला, इसलिए करा बच्चे क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन के रेशियो का न्यूमरेटर और नाइट्रोजन के रेशियो का न्यूमरेटर क्या हो गया, सेम हो गया। हाइड्रोजन का डिनोमिनेटर ज्यादा,
नाइट्रोजन का डिनोमिनेटर कम है, तो जहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा है वहां पे वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो के रेशियो कम किसका होगा, हाइड्रोजन का। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। मैं डेसिमल में क्यों कैलकुलेट करूं, मैं अपना दिमाग उधर क्यों लगाऊं, मुझे बस वैल्यू देखनी थी कि कौन सी वैल्यू छोटी है। यहां न्यूमरेटर आसानी से इक्वल हो रहा था, मैंने कर दिया, डिनोमिनेटर जिसका ज्यादा हो वो वैल्यू छोटी मिलेगी। तो फाइनली हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी लिमिटिंग रिएजेंट। और आप बता ही रहे हो कि अमोनिया 56.67 केजी मिलेगा, पता चला नाइट्रोजन कितना बचेगा, दैट इज वेरी इजी, और वो और भी ज्यादा आसान, लेकिन आप करो एक बार। सर एक डाउट था सर। हाँ हाँ बताओ बताओ सर। इन्होंने बोला है कि 50 के जब N2 एंड 10 के जब H2 आर 10 kg, हाँ, तो हाँ। जब बैलेंस करता हूँ मतलब 3 मोल्स ऑफ H2 का 10 kg होता है ना, या उसका डिफरेंट होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे देखो देखो स्टोशियोमेट्रिक, पहले ये चीज समझो अब, क्योंकि ये चीज अभी नहीं क्लियर होगा तो आगे चीज बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ये जो हमने रिएक्शन लिखा है ना, ये सिंपली बैलेंस्ड रिएक्शन है, जिसमें ये जो नंबर आगे लिखा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर केवल हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर मैं नाइट्रोजन का 1 मोल ले करके हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करा देता तो अमोनिया का 2 मोल बन जाता। हमको केवल ये इंफॉर्मेशन मिलेगा फ्रॉम द बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो मास दिया जाता है ना, ये हमारा चॉइस है। कोई बोलेगा मैं आज 50 केजी नाइट्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा, कोई बोलेगा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो 20 केजी नाइट्रोजन और 20 केजी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगा। तो वो लैब में जो अमाउंट हमने लेकर के मिक्स करा हुआ है वो यहाँ पे दिया होता है मास में, 50, 10, 20, 20, 20, 30, जिसकी जो मर्जी पड़े वो ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको ये बताना होता है कि अगर ये मास रेशियो किसी ने लिया और रिएक्शन कराना शुरू करा, तो फिर हमको बताना होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बना, या फिर कोई अगर बच रहा है तो कितना बचा, वो सब बताना होता है। तो वो प्रोसेस सॉल्विंग कैसे होता है, क्योंकि हमने ये रिएक्शन बैलेंस देखा हुआ है, हमको बस एक चीज का इंफॉर्मेशन होता है, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास 100% एक्यूरेट है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट अगर करता है तो 2 मोल अमोनिया जरूर बनाएगा, ये इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट। फिर हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका सिखाया कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही ऐसा है जो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। अगर आप एक्सेस रिएजेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो एक्सेस रिएजेंट से हमेशा आंसर गलत आता है, क्यों, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट पूरा खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कौन होता है, केवल पूरी तरीके से खर्च कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे अभी हमने डिसाइड करा कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसका मतलब यह है कि जब आप 50 केजी नाइट्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन आपस में मिक्स करके रिएक्शन कराओगे तो ये 10 केजी हाइड्रोजन पूरा खर्च हो जाएगा, लेकिन ये 50 केजी नाइट्रोजन पूरा खर्च नहीं होगा, इसमें से कुछ ना कुछ नाइट्रोजन बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है एक्सेस रिएजेंट। तो जो पूरा खर्च हो जाता है उसी से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना बना हुआ है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट में क्या यूज करूंगा, मैं स्टेटमेंट में यूज करूंगा बोलूंगा इसका 3 मोल हाइड्रोजन का 3 मोल इसका 2 मोल बना रहा है। तो जब मुझे मालूम है कि इसका 10 केजी पूरा खर्चा हो जाना है तो इस केजी को मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा और बता दूंगा कि अमोनिया का कितना मोल बनेगा, एक बार मोल मिल गया तो मास बता दूंगा। दिस इज द एग्जैक्ट थॉट एंड प्रोसेस दैट वी आर डूइंग हियर। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, बड़े वाहियात वाले क्वेश्चन होते। अभी अभी क्लियर है सीन पूरा? यस सर। सर हाँ रिएजेंट ले 45.33 केजी।
नहीं नहीं हो गया ना धोखा, पार्टी मुझसे पार्टी इतनी जल्दी थोड़ी मिल जाएगी, इतना नहीं आएगा, इतना नहीं है। अच्छा किसी और को भी मिला अमोनिया 56.67 केजी बनेगा, किसी और को मिला? मेरे को 66.66 मिल रहा है। नहीं 56 मिलेगा, कोई और भी बताओ यार, मतलब किसी को अगर मिला हो। अमोनिया प्रोड्यूस्ड इज 56.67 केजी, ऐसा मिलता है? नहीं, अभी तो प्रोसेस भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, पूरा थॉट प्रोसेस जो भी होता है सब एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव एनी डाउट, प्रोसेस का कहानी फिर से सुनना है तो फिर से सुना दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ना। अगले वाले टेस्ट में 100% मोल कॉन्सेप्ट रहेगा सिलेबस में, और मैं 200% बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जो अभी आप कर रहे हो, आएगा ही आएगा, फिक्स है। चलो अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूं, तो मैं रिएक्शन एक बार फिर से लिखता हूं। N2 प्लस 3H2 इज गिविंग 2NH3, रिएक्शन बैलेंस है। हमको एक इंफॉर्मेशन एडिशनल मालूम है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, हाइड्रोजन है, और हमको ढूंढना अमोनिया है, तो मैं कनेक्ट किसको करूंगा, हाइड्रोजन को अमोनिया से कनेक्ट करूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट को प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दूंगा। स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा कि 3 मोल हाइड्रोजन इज गोइंग टू प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया। ये मैंने कहां से लिखा, ये मैंने स्टोशियोमेट्रिक ऑफिस, जो फैक्ट है जो 100% करेक्ट है वो पहले लिखूंगा मैं, तो मुझे मालूम है कि 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन होता तो 2/3 मोल अमोनिया बन रहा होता। नाउ हाइड्रोजन का हमें कितना दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है, तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, और वो मोल कैसे मिलेगा हमें, मास, मास कितना, 10 kg था, kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी 2, तो ये कितना हो जाएगा, 5×10^3 मोल हो जाएगा हाइड्रोजन का जो हमें खर्चा करना है। ठीक है, तो अगर मैं 5×10^3 मोल हाइड्रोजन खर्च कर बैठता हूं तो अमोनिया कितना बनेगा, 2/3×5×10^3 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म, इतना अमोनिया बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10/3 है ना, 10/3×10^3 मोल, ये हमको क्या मिल गया बच्चे, मोल मिल गया, किसका मोल मिल गया, अमोनिया का मोल मिल गया। हमको मोल नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था मास, तो मास के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, तो मोल तो हमको मालूम है ना, मोल कितना है, 10/3×10^3, ये है मोल, और अमोनिया का मोलर मास, NH3 का मोलर मास आप चेक कर लो, नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 1 कितना मिलता है, 70, तो जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो अगर मुझे केजी में आंसर चाहिए तो इसको 10^3 से डिवाइड कर दो, तो ये 10^3 से डिवाइड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या बच जाएगा, 170/3 kg, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 56.67 kg, ये हमें अमोनिया बना हुआ मिल जाएगा। इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, हमने यूनिटरी मेथड के अलावा कुछ भी यूज नहीं करा हुआ है। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ा डिसाइड करना था, तो वो तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। एनी डाउट एनीवन? अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि अमोनिया 56.67 केजी कैसे बना, वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हमको ये डिसाइड करना है कि नाइट्रोजन
कितना बचेगा, नाइट्रोजन कितना बचेगा उसको फाइंड आउट करने का दो तरीका है मेरे पास। एक जो अभी तक हम लोग सीखते आए जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन बनेगा, दूसरा जो बहुत ही ज्यादा आसान है देख करके आंसर बता। अच्छा हाँ हुसैन बोल रहे हो कि एक बार फिर से रिपीट कर दे, ठीक है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अमोनिया कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि पहले तो हमने ये मालूम रहना चाहिए कि हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कभी भी अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट कितना बना, तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को प्रोडक्ट से कनेक्ट करना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन, हाइड्रोजन, प्रोडक्ट कौन, अमोनिया। तो जब इनका इनको आपस में कनेक्ट करूंगा तो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कनेक्ट होंगे। तो इसी को मैं यहां स्टेटमेंट में लिख दिया हूं कि 3 मोल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3, अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2। तो मैं एक चीज तो 100% सियोरिटी के साथ बोल सकता हूं कि 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया बनाएगा। अगर 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया तो 2 मोल अमोनिया जरूर बने। तो अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन होता यूनिटरी मेथड, तो अमोनिया कितना बनेगा, 2/3 मोल। अब मेरे पास हाइड्रोजन खर्चा करने के लिए कितना है, 10 kg, 10 kg हाइड्रोजन हमको पूरा खर्चा करना है। तो पहले 10 kg का मैं मोल कैलकुलेट कर लूं। मोल कैसे मिलता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 10 kg था, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10^3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 × 10^3 क्या हो जाएगा, मास मिल जाएगा, किस में, ग्राम में। हाइड्रोजन H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। तो 10 × 10^3 / 2 दैट इज गोइंग टू बी 5 × 10^3। ये हमको क्या मिल गया, हाइड्रोजन का मोल मिल गया। मतलब इतना सारा मोल हमको खर्च करना ही है। तो मैं वही यहां पे लिखा कि 5 × 10^3 मोल अगर मैं हाइड्रोजन खर्च करता तो अमोनिया का कितना मोल बन जाता, 2/3 × 5 × 10^3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 10/3 × 10^3 मोल। ये किसका मिल गया, अमोनिया का मोल मिल गया ना। अगर अमोनिया का मास चाहिए तो मास के लिए फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना, 10 × 10^3 × 10^3 ये मोल है। मोलर मास अमोनिया का कितना होता है, 70। ये किस में मिलेगा हमको, ग्राम में। तो अगर मुझे केजी में चाहिए तो 10^3 से फिर से डिवाइड कर दो, डिवाइड करूंगा तो ये 10^3 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। 10 × 17 कितना होता है, 170/3 एंड दैट इज व्हाट इज 56.67 kg। दैट इज द अमाउंट ऑफ अमोनिया टू बी प्रोड्यूस्ड, 56.67 kg। अभी भी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क। ओके अब जो सेकेंड पोर्शन था क्वेश्चन का, हमें ये ढूंढना था कि नाइट्रोजन कितना बचेगा। ठीक है तो इसके लिए 2 मेथड है। जो यूनिटरी मेथड है मैं पहले यूज करूंगा, उसी उससे भी आंसर आएगा लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा बनेगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। देखो मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, N2+3H2 is giving 2NH3। ये हमारा रिएक्शन। तो ये रिएक्शन से हमको मालूम है कि हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन क्या है, एक्सेस रिएजेंट। नाइट्रोजन ढूंढना है कि कितना बचेगा। एक चीज तो मैं सियोरिटी के साथ बोलता हूं कि 3 मोल अगर मैंने हाइड्रोजन खर्च करा है ना, तो 1 मोल नाइट्रोजन जरूर खर्च हुआ होगा, क्योंकि इसका 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट तो करेगा। ठीक है, अगर 3 मोल हाइड्रोजन खर्चा होता है तो 1 मोल नाइट्रोजन भी जरूर खर्च हो। अभी अभी हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करा था एंड दैट वाज 5 × 10^3। अब पिछले पार्ट में देख लो, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल यही था। तो अगर मैंने 5 × 10^3 मोल हाइड्रोजन का खर्च कर दिया मान लो, तो नाइट्रोजन का कितना मोल खर्च हुआ होगा, 5 × 10^3 / 3 मोल नाइट्रोजन का क्या हो गया, खर्च हो गया। ये क्या, कौन सा मोल है, ये वो मोल है जो खर्च हो चुका है। अच्छा तो मास ऑफ N2
कंज्यूम्ड वो वाला मास जो खर्च हो चुका है। मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, ये तो हमेशा ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल कितना हमारे पास? 5 × 10³ / 3 / 3, ये हमारा क्या था? मोल था। अब नाइट्रोजन खर्चा कराना है ना, तो नाइट्रोजन का मोल लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन का मोलर मास लिखेंगे। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना? 28। तो ये मास किस में मिलेगा? ये मास मिलेगा आपको ग्राम में। अगर आपको केजी में चाहिए तो 10³ से फिर डिवाइड करो, 10³ से डिवाइड करते हैं तो ये जो 10³ लिखा है ये कैंसिल हो जाता, कितना बचता? 5 × 28 / 3 kg, इतना मास क्या हो जाता? खर्चा हो जाता। तो बचा हुआ मास चाहिए था हमको, ओके। तो मास ऑफ N2 लेफ्ट जो बच गया एट द एंड ऑफ रिएक्शन, हमने स्टार्टिंग में कितना लिया? 50 kg। खर्च कितना करा? 5 × 28 / 3 खर्च कर दिया। तो जो खर्चा हुआ उसको सब्सट्रैक्ट कर दो स्टार्टिंग में जो लिया था, जो बचेगा वो बचेगा, वही एंड में रहेगा। समझ में आया सभी को? यस सर। कितना आता है कोई बताएगा? 50 − 5 × 28 / 3। नहीं, सब आलसी मेरे जैसे। अरे यार, कोई तो कैलकुलेट कर दो। कितना? 3.4 आ रहा है केजी। 3.4 kg, राइट। देखो ये तो एक तरीका है आपके पास बचा हुआ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने, आएगा इससे तो 100% आएगा ही आएगा आंसर, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। अब शॉर्टकट मारते तो शॉर्टकट में क्या करना है हमको? हमको यूज करना है मास कंजर्वेशन, ठीक है? हमको यूज करना है मास कंजर्वेशन। अब एक चीज हमको 100% मालूम है कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं ना कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। ये तो करेक्ट होगा ही ना यार, मास तो कंजर्व रहेगा ही। अच्छा एक बात दो, सोच समझ के बताना कि रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले टोटल मास कितना है? 60 ना? नाइट्रोजन का 50 kg एंड हाइड्रोजन का 10 kg, यही तो मास है। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले टोटल मास कितना है? नाइट्रोजन 50 kg और हाइड्रोजन 10 kg। अब एक बात बताओ, जब रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी वो टाइम पे हाइड्रोजन का मास कितना रहेगा? जीरो ना, खर्च हो गया वो। ऑब्वियसली जीरो होगा यार, हाइड्रोजन ही तो लिमिटिंग था, तो हाइड्रोजन ही तो खर्चा हो गया, तो हाइड्रोजन तो हो गया जीरो। तो क्या बचा अब मेरे पास लास्ट में? क्या बचेगा मेरे पास? अमोनिया का मास बचेगा, और क्या बचेगा? नाइट्रोजन का मास बचेगा, और कुछ होगा ही नहीं। तो अमोनिया का मास तो अभी बताया ना मैंने, 56.67 kg, यही तो बना था। और नाइट्रोजन पूछ रहे थे कितना बचा हुआ है, तो 60 − 56.67 कर लो, वही नाइट्रोजन का मास बचेगा। नहीं सर, अब यकीन नहीं करेंगे, पहली बार मेरे को ये आंसर में सोचते रॉन्ग था। अरे मास का सब वैलिड रहेगा यार। सर मैं यही किया सर, मिल गया, मैं सोचा कि गलत होगा तो छोड़ो, बेइज्जती नहीं होने की। अच्छा इज्जत बचा रहे थे, इज्जत कौन बचाता है? इज्जत थोड़ी बचाना है इधर, ठीक है? बता दिए होते थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होता आपका। तो फाइनली 3.4 kg यहां से भी आता है।
नाइट्रोजन का मास, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहली चीज, ये जो मास कंजर्वेशन का फंडा है ये कब अप्लाई करना है वो जरूर माइंड में क्लियर रहना चाहिए। कब अप्लाई करना है मास कंजर्वेशन का फंडा? जब ही रिएक्टेंट का मास, जो रिएक्टेंट बच गया, एक्सेस रिएजेंट जो है, कभी भी अगर मुझे क्वेश्चन में एक्सेस रिएजेंट का मास कैलकुलेट करना रहेगा ना, मैं यूनिटरी मेथड कभी यूज नहीं करूंगा। मैं हमेशा मास कंजर्वेशन यूज करूंगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेथड, जहां से आपको मास फटाफट मिलेगा और एक लाइन में बिना कैलकुलेशन के। कभी जब भी मुझे एक्सेस रिएजेंट का मास कैलकुलेट करना रहेगा, मोल वगैरह नहीं, मास, ठीक है। तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा दम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और बचे हुए, उसके बाद कुछ नया सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। अब वो कंसंट्रेशन वाले टर्म्स ले आऊंगा, मोलैरिटी मोलैलिटी वाला। अच्छा, उससे पहले मोल का एक और फॉर्मूला आपको सिखाना है, वॉल्यूम वाला। तो धीरे धीरे आऊंगा मैं उधर, एक दो क्वेश्चन और करने के बाद। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट मस्ट बी डीकंपोज्ड टू प्रोड्यूस सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट। अस्यूम दैट वाटर इज प्रेजेंट फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, थोड़ा आपका काम आसान कर देता हूं। रिएक्शन कुछ ऐसा है कि अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और इसको अगर मैं स्लाइटली हीट कर देता हूं तो इट विल डीकम्पोज इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बोला जा रहा है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड को आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करो, वाटर यहां पे रहेगा फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस, एंड में जो बनाना है हमको दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाना चाहिए। तो अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करूं सेकेंड वाला, तो 2NaHCl3 लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखने से सोडियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, एंड हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सारा कुछ तो बैलेंस ही है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने का जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये दोनों रिएक्शन यूज होंगे। अब एक बार दिमाग आप इस्तेमाल करो, ट्राई करो। नीटू में इतना लंबा क्वेश्चन आएगा तो होगा कैसे एक मिनट में? आपको सीरियसली बताऊं, ये क्वेश्चन बिना लिखे आंसर कर देते अगर अगर रिएक्शन मालूम रहता तो। बस रिएक्शन लिखने में जितना टाइम लग जाए, बाकी सॉल्व करने के लिए पेन भी नहीं उठाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये डराते हैं ना, एक दो क्वेश्चन बड़ा बड़ा दे करके केवल डराते हैं, अंदर में कुछ नहीं होता उसको, वैसा वाला क्वेश्चन।
क्या दिमाग नहीं काम कर रहा है? बहुत आसान है, वेरी चलो नहीं मिल रहा था। चलो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं कि बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो रिएक्शन लिखा, सारे रिएक्शन बैलेंस। हमको ये बोल रहे थे कि हमको ये 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल देना है, इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। Find the mass of calcium carbonate that must be decomposed to produce. अब actual process क्या हो रहा है? ये calcium carbonate का कुछ mass लिया, उसको heat करा, वहां से जो carbon dioxide बना वही carbon dioxide दूसरे वाले reaction में use करा, so that ये sodium carbonate क्या हो जाए, sodium bicarbonate में convert हो जाए। ये इनका actual process चल रहा था। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को, तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? अरे बोलो बच्चे, ये वन मोल सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में बदलने के लिए कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? दो चाहिए ना, वन ना यार, वन, ये भी वन है, ये भी वन है, रिएक्शन तो बैलेंस है ना। ओ, अच्छा, अच्छा। मोल सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराने के लिए 1 मोल CO2 चाहिए, राइट? हाँ सर। तो अगर यहाँ पे 1 मोल CO2 चाहिए तो यहाँ पे 1 मोल प्रोड्यूस होना चाहिए फिर। तो अगर यहाँ पे 1 मोल प्रोड्यूस कराना है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना लेना पड़ेगा? 1 मोल। वन मतलब 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। वन नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डाल के हो जाता है। समझ गए? इतना समझ में आया? 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या क्या फिर क्या बोल रहे हो? 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो मैं ये कह रहा था हमको कितना चाहिए था, हमारे पास 10.6 ग्राम दिया था ना, तो मोल तो कैलकुलेट कर लो ना यार, सोडियम कार्बोनेट का मोल कैलकुलेट कर लो। कैसे? मास, मास कितना दिया 10.6, मोलर मास कितना आता है 106। कैसे? सोडियम होता है 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, आप कैलकुलेट करके देख लो 106 आता है। मोल कितना आएगा? 0.1। ठीक है, ओके सर। तो अब एक बात बताओ, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, मैं समझ गया आपका दिमाग टायर्ड हो चुका है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, तो 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल लगेगा और क्या? नहीं सर, 0.1। फिर से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं लिख देता हूं, वो स्टेटमेंट लिख देता हूं।
ऐसा बोल रहा था कि अगर आपको वन मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट जरूरत हो रहा है तो 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल का जरूरत होगा। बस बहुत सिंपल सा चीज था, हमको मास चाहिए ना, मोल मिल चुका है, मास कैसे कैलकुलेट कर ले? मास मिलेगा नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। मोल कितना? 0.1। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है? 100। कैल्शियम कितना होता है? 40। कैल्शियम कितना होता है? 40। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 100। तो 0.1 इनटू 100 कितना हो गया? 10 ग्राम। यही आंसर है यार, 10 ग्राम ही आंसर। हाँ मैं समझ गया, बीच में ब्रेक हो रहा है, आप हॉस्टल में है, लेकिन आप ये तो बताओ डाउट क्या था, ये तो बताओ डाउट क्या था आपका? ये सभी को समझ में आया? हाँ सर, एक Na2CO3 to produce one CO2S, तो वो समझ में नहीं आता आपने क्या बोला था। मैंने ये बोला वन मोल सोडियम कार्बोनेट वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा ना। हाँ सर। और जितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा उतना ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड इधर में प्रोड्यूस होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो बेसिकली वन मोल सोडियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हो रहा है वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट। बस वो ऐसे देख के पता चल रहा है। सोडियम कार्बोनेट का 0.1 मोल कन्वर्ट करना था तो कैल्शियम कार्बोनेट का 0.1 मोल लगेगा। 0.1 मोल का मास कितना होता है? 10 ग्राम। बस इतना सा काम करना है ना, डिफिकल्ट क्या बोलते हैं। चलिए ये आराम से आप कॉपी कर लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि आप लोगों का माइंड टायर्ड हो गया है, तो इस नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और करूंगा और फिर उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से पहले आपको एक फॉर्मूला सिखाना है ना, मोल का वॉल्यूम वाला, कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, जानते भी होंगे वो फॉर्मूला। थोड़े से वो फॉर्मूले में जो सावधानी बरतनी है वो बता दूंगा और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है? यस सर। और कोई भी कुछ भी इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज यही एंड करूंगा। एनी डाउट एनीवन? सर एग्जाम में रिएक्शन देते क्या? एग्जाम में रिएक्शन फाइनल एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, जो फाइनल एग्जाम है ना उसमें नहीं दिया रहेगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन यहाँ पे यूज हुआ है ये रिएक्शन आपके सिलेबस में है, एस ब्लॉक में, तो जब सिलेबस में है तो वो रिएक्शन नहीं देगा ना। यस सर। रिएक्शन सिलेबस में नहीं है वो जरूर दे दिया जाएगा, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट? अरे जल्दी बोलो, नहीं मैं भी थक गया हूं, बोलो भाई। कोई ना बोल रहा यार, सब गायब, सब धीरे से कट लिए। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। बाय सर।